बीएसएससी का रिजल्ट जो इंटर लेवल था, जो 6 सालों के बाद रिलीज किया गया है, पब्लिश्ड होने के बाद भी बहुत से स्टूडेंट अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं बिकॉज उनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, रोल नंबर पता नहीं है। तो कैसे इसको रिकवर किया जाए, इसके लिए बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं और कुछ ऐसे ऑप्शन बता देता हूं जहां से आप लोग जाके रिकवर कर सकते हैं। वैसे जो बीएसएससी की ओर से जो पहले वाला लिंक था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, जो 1 डे के लिए 3 टाइम्स अटेम्प्ट दिया था, वो लिंक तो काम कर रहा है, लेकिन वहां से जो मैसेज दिखा रहा है, वो मैसेज आपको बता दूँ इसका क्या मतलब है और आपको कैसे रिकवर करना है। वीडियो के साथ अंत तक रहिएगा। यहाँ पे 2 तरह का लिंक प्रोवाइड किया गया है, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो नाम, फादर नाम और DOB डाल के रिकवर कर सकते हैं एडमिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे नीचे में इसका लिंक दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन फिलअप करके जब आप लोग इसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जिनके पास रहेगा वो तो ऑटोमेटिक वो अपना रिकवर कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो अपना नाम, फादर नेम और DOB डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट का इंटर करता हूँ। इस तरह का मैसेज आपको सर्वर से रिप्ले मिलता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुड नॉट कनेक्ट, कांट कनेक्ट टू लोकल मै SQL सर्वर थ्रू द सॉकेट। तो यहाँ पे मैं SQL जो होता है ये सर्टिफिकेट होता है जहाँ से इसको, उसके पास डेटा तो स्टोर है लेकिन जो लिंक प्रोवाइड किया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, उस लिंक को ब्लॉक कर दिया है और वहाँ से डेटा से सर्वर से हटा दिया गया है। तो यहाँ से किसी भी हालत में आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा जब तक कि वो सर्वर से कनेक्ट ना करे उस लिंक को, उस डेटा को, तब तक। तो ये तो यहाँ से आप लोग नहीं कर सकते रिकवर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, आप परेशान मत होइए, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप सीधा BSSC के ऑफिस चले जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर जो आजकल प्रोवाइड किए जाते हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर से भी, जो ऑफिशियल फ़ोन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं साइट पर, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है आपको। आपको BSSC के ऑफिशियल ऑफिस जो है वहाँ पे आपको पटना चले जाना है और वहाँ पे आपको रिकवरी करने का सारे प्रोसीजर जो होता है वहाँ पर अपना दीजिएगा, तो आपका जो है वहाँ पे मिल सकता है, वो लोग आपको वहाँ से दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है, उसके बाद फादर नेम है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो वहाँ से आपको ये मिल सकता है अपना रोल नंबर। लेकिन एडमिट कार्ड रहना बहुत ज़रूरी है, आप लोग कोशिश करिएगा अपने एडमिट कार्ड को रिकवर करने का, वो भी पहले वाला, बिकॉज जो इन्विलेटर का उस पर भी सिग्नेचर रहता है, इससे बहुत से आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपको फॉर्म एडमिट कार्ड खो गया है। तो आप लोग BSSC के ऑफिस चले जाइए पटना, वहाँ पे कुछ जो है इन्फॉर्मेशन देने के बाद वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वो ओल्ड वाला लिंक है वहाँ से आप लोग नहीं कर सकते, बिकॉज वो सर्वर से ही हटा दिया गया है सॉकेट से। माई SQL सर्टिफिकेट होता है एक तरह का, वहाँ से जो है इसे रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। ये थी आप लोगों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। बहुत से स्टूडेंट थे जो कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के बनाया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।